बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट टेन और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश भी होंगे। जी हाँ, खुश इसलिए होंगे कि फाइनली कल लाहौर कलंदर एक मैच जीत गया। लाहौरियों की जानिब से जो इतनी उम्मीदें लगाई गई थी, मैं तो ये कहूँगी कि वो उम्मीदें रंग ले आई हैं, वो दुआएँ रंग ले आई हैं। इतनी बड़ी तादाद में वो लाहौरी जो कि कजाफी स्टेडियम जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और बार बार हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नाराज़ भी नज़र आए कि टीम की जानिब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया जाता, स्पेशली वो टाइम निकाल कर कजाफी स्टेडियम जाते हैं। लेकिन कल ये गिला जो है वो दूर हो गया। हमने देखा कि लाहौर कलंदर की जानिब से ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया गया। आज भी एक मैच होने जा रहा है, आज के मैच के हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। आज लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच है, तो देखेंगे आज के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शन करें। हाफिज शहबाज भी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। फारहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारहान, बताइएगा मौसम कैसा रहेगा आज? जी बिल्कुल, महकमा मौसम की जानिब से आज पेशन गोई की गई है कि लाहौर शहर में आज दोपहर में किसी भी वक्त जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है वो दाखिल होगा। शाम के औकात में बारिश बरसने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जुमेरात के रोज़ गरज चमक के साथ बारिश बरसेगी, और बारिश बरसने का ये सिलसिला जो गरज चमक के साथ हफ्ते तक जारी रहेगा। इस दौरान शहर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश देखने में आएगी। दर्जा हरारत जो कि देखने में आया था गुज़श्ता कई रोज़ से बढ़ता जा रहा है, और गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस की जा रही थी। इन बारिशों के बाईस से जो गर्मी की आमद है कुछ दिन के लिए वो रुक जाएगी, दर्जा हरारत में कमी देखने में आएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त तो सूरज निकला हुआ है, तमाम महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 12 एक बजे के बाद जो मतला है वो जिस्मी तौर पर अबर आलूद हो जाएगा, और जो हवा है वो 2 से 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी और हवा में नमी का तनासब 66% तक जा सकेगा। ठीक है फारहान, बहुत शुक्रिया, आप मौसम की सूरत हाल बता रहे थे। टॉप स्टोरीज क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज सबसे पहले डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी है जी, कोरोना वायरस। लाहौर के अस्पतालों के लिए विफाक से हिफाजती सामान तलब किया गया है। नामुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंडर में तब्दील, लागत भी बढ़ गई, मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनी। सरकारी गैर सरकारी 32,000 गाड़ियां, करोड़ों रुपए टोकन टैक्स की नादहिंदा, महकमा एक्साइज के वार्निंग नोटिस। और सफाई के नए मॉडल पर ब्रीफिंग, लाहौर को हर सूरत साफ सुथरा नजर आना चाहिए, ऐसा कहते हैं वजीर आला पंजाब। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडियो में। आज हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है इरफान? अना ठीक ठाक। और जो आपने बात की के खुदा खुदा करके जो है वो लाहौर कलंदर जो है फाइनली जी, बिल्कुल, लेकिन अभी फाइनल से बहुत दूर है। बिल्कुल, लेकिन वो था ना जो एक आपका माइंड बन गया था लोगों का, आगे ये नहीं जीतेंगे नहीं, तो खैर वो लोग जो कि सपोर्ट करने के लिए जाते हैं लाहौरियों की, आपको पता है कि उम्मीदें थी कि उन्होंने सपोर्ट ही लाहौर कलंदर को करना है, तो हमारे अपने बहुत सारे लोग कहते थे जी क्योंकि हम लाहौरी हैं तो हमने जो मर्जी हो जाए लाहौर कलंदर को सपोर्ट करना। और ये हमारे ऊपर जो है लाहौरियों के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा हुआ था कि शायद लाहौर कलंदर जो है वो अब ये कलंदर जो है ये दरबारों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन नहीं, कल कलंदर ने जो धमाल डाली और उसमें जो चौके छक्के लगाए तो उसमें वाकई देखने वाली मैच था, और उसमें जैसा कि बैटिंग की गई, बॉलिंग की गई और दफाई चैंपियन को हराना ये बड़ी बात थी कि आप क्वेटा ग्लैडिएटर जो अपने जो एजाज का दिफा कर रही है, अपने कप का दिफा कर रही है, उस टीम को आपने हराया। और बिल्कुल फाइनली मैं तो ये कहूंगी कि मैं खुद उम्मीदें जो थी वो तमाम तर खत्म कर बैठी थी कि मैंने मैच नहीं देखना है, लाहौर कलंदर नहीं जीतने वाला है, तो लाहौर कलंदर की जानिब से जबरदस्त कमबैक किया गया है। आज भी मैच होने जाना है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो आज टीम की तैयारी कैसी है, कैसी कारकर्दगी देखने में आएगी? इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से भी दो मैच जीते गए हैं, दो हारे गए हैं, एक हमें बारिश की वजह से उनको पॉइंट मिला है, तो आज के मैच की कुछ तैयारी
तैयारी में के बारे में हम जान लेते हैं। कजाफी स्टेडियम में हमारे रिपोर्टर हाफिज शहबाज मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज, पहले तो कल के मैच के हवाले से बताइएगा, लाहौरियों का जोश जज्बा कैसा था? बिल्कुल है ना, लाहौरियों का जोश व जज्बा बिल्कुल वैसा था जिसकी तोका थी, क्योंकि लाहौरिये खासे मायूस थे। मुसलसल जो नाकस परफॉर्मेंस हो रही थी लाहौर कलंदर्स की जाने से, तीन मुसलसल मैच वो इस लीग में हारे, इससे पहले चार मैच वो पिछले साल हारे हुए थे, सात मुसलसल मैचेस हारने के बाद तो खासी मायूसी थी। लेकिन कल जिस तरह बेन टंक ने बैटिंग की, तो उसके बाद जो जोश व जज्बा था कजाफी स्टेडियम में, वो अपने उरूज पर था। और बड़े अरसे बाद ऐसे मनाजर जो है वो कजाफी स्टेडियम में देखने में आए, और बड़ा दिलचस्प और बड़ा खूबसूरत मंजर था। और ख़ासतौर पर जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की, तो उस पर हर कोई ही खुश था। इवन के वो लोग भी जो कि लाहौर कलंदर्स के साथ उनकी इतनी एफिलेशन नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि लाहौर कलंदर्स की टीम ये मैच जीते, क्योंकि उनके जीतने से अब हम ये कह सकते हैं कि ये लीग जो है अलाइव हो गई है लाहौरिये, क्योंकि यहाँ पे हम देखा था कि पहले तीन मैचेस में शायकीन क्रिकेट की भी इतनी बड़ी तादाद नहीं आई थी, लेकिन कल भी आखिर में जब देखा कि लाहौर की पोजीशन बड़ी बेहतर हो गई है, तो शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे। और उसके बाद आज भी तोका की जा रही है कि बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट यहाँ आएंगे। खासतौर पर जिस इनिंग की बात हम कर रहे थे, जिस परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे कि लाहौर की जानिब से नहीं हो रही, एक परफॉर्मेंस ऐसी होगी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर देगी, तो कल बेन टंक ने और उसके बाद फिर समीर पाटिल ने जिस तरह बैटिंग की, तो उसके बाद पूरी लाहौर कलंदर्स की ना सिर्फ टीम की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, बल्कि लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट थी, उनके ऑनर्स, तमाम लोगों की एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। और लग रहा था कि लाहौरिये जो है अब वो वापस आए हैं, और जिसे हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि लाहौर जाग उठा, ये हुआ कल। और उसके बाद जिस तरह लाहौर ने कामयाबी हासिल की, तो उसके बाद अब ये तोका की जा रही है कि आज भी बड़ा दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि दो मरतबा की चैंपियन है, और उन्होंने कल भरपूर यहाँ पर तीन घंटे तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस की, और की टीम मैनेजमेंट भी जो आखिरी मैच वो हारे हैं उसके बाद खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है। मिसबाह उल हक, सईद अजमल और दीगर जो कोचिंग स्टाफ है वो, इसके साथ साथ उनके जो खिलाड़ी हैं डेविड मिलान, कॉलन मिनर, उसके साथ डेल स्टेन, फिर आसिफ अली हुसैन, तल्हत रिजवान हुसैन, तमाम के तमाम खिलाड़ी आज कुछ करना चाहते हैं। उनको पता है कि पिछली दफ़ा बड़ा टफ मैच था, आखिरी लम्हात में जाकर वो ये मैच जीते थे, लेकिन आज उनकी कोशिश होगी कि इस मैच को इतना करीब ना जाने दिया जाए, क्योंकि अब लाहौर की टीम अपनी फॉर्म में वापस आ गई है, तो अगर ये मैच इतना करीब गया तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए शायद जीतना मुश्किल हो जाए। उसके साथ साथ अगर हम लाहौर के हवाले से बात करें, तो गो के बेन डंक और समीर पाटन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन उनके मसाइल अभी भी अपनी जगह पर उस तरह दिखाई देते हैं, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि मोहम्मद हफीज ने एक इनिंग में 98 रन जरूर किए, लेकिन उसके बाद दो मुसलसलों ने सिफर किए, जिसकी वजह से एक परेशान के लाहौर कलंदर की जानिब से कमबैक किया गया। तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से भी अब कुछ स्ट्रेटेजी जो है अपनी तब्दील की गई होगी, नई चीजें ऐड की गई होंगी, क्योंकि हमने देखा लाहौर कलंदर अब फॉर्म में आ चुकी है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी मेरे ख्याल से अब एक चैलेंज है। जी बिल्कुल, चैलेंज होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, क्योंकि एक तो वो दो दफ़ा के चैंपियंस हैं, उसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं मिसबाह उल हक, वही उनके हेड कोच भी हैं। इसके अलावा उनकी जो टीम है अगर देखा जाए तो बड़ी बैलेंस टीम है, और फिर डेल स्टेन के आने के बाद उनका बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा मजबूत हो गया है, तो आज उनको उस मुकाबले की जिस टक्कर अब जिस तरह लास्ट टाइम नहीं दे सकी थी लाहौर कलंदर, आज जरूर लाहौर कलंदर की टीम उन्हें टक्कर देगी, जिसके लिए वो तैयार होंगे। और बाहर ये लग रहा है कि आज शायद वो फहीम अशरफ की जगह आकिफ जावेद जो कि नौजवान फास्ट बॉलर है उन्हें टीम में शामिल करें। इसके साथ साथ हम ऊपर के बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीलियाँ देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तब्दीलियाँ वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी टीम एक उनका जो कम्बिनेशन बना हुआ है उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, जैसे कि आप बता रहे थे कि कल भरपूर प्रैक्टिस की गई। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ मौजूद थे और मैच की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। इरफान, एक जबरदस्त चीज सोशल मीडिया पर जब आप देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे फनी कोट्स आ जाती हैं, जब लाहौर कलंदर की हार पर हम देख रहे थे, तो वो चीजें जो है ना एक्चुअली जो है वो जबरदस्त लगती हैं मुझे, तो कि लोग क्या क्या सोचते हैं जब लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, वो चीजें जो कि वो सोच रहे होते हैं, तो उसके बाद फिर इतनी फनी चीजें सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिलती हैं। हाँ देखें, ये लोगों की तवक्कात हैं और लोगों की ख्वाहिशात थी कि लाहौर से जो प्यार करने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो देखते हैं कि लाहौर कलंदर जो है वो मैच के अंदर अगर खेलते हुए वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती तो उनके दिल टूटते हैं, जब वो दिल टूटेंगे तो फिर डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें तो आएंगी। और जैसा कि हमने आपसे पहले जिक्र किया कि हम भी ये शायद सोच रहे थे कि ये लाहौर कलंदर जो है इनको शायद सिर्फ दरबारों के लिए रखा जाए, लेकिन नहीं, इन्होंने कल जो स्टेडियम के अंदर जो किया वो वाकई कमाल था। और मेरे ख्याल में कि इसी टीम को अब आगे लेके चलना चाहिए, ये ना हो कि इसमें ज्यादा चेंजिंग कर दे और दोबारा से कोई जो है अपसेट देखने चले। जी मैं तो आज लाहौर कलंदर का मैच है दोबारा से गुड लक विश करना चाहूंगी, गुड लक, अच्छे खेल का मुजाहरा करें, लाहौरियों की उम्मीदें आपसे बहुत वाबस्ता है। आज की लीड स्टोरी की तरफ जाते हैं, लीड स्टोरी हमारे पास है कोरोना वायरस, लाहौर के अस्पतालों के लिए विफाक से हिफाजती सामान तलब किया गया है। इरफान क्या कहेंगे आप?
अना देखिए, ये पूरी दुनिया के ऊपर एक खौफ की अलामत जो है वो तारी हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर आपको मुख्तलिफ ऐसे ममालिक नज़र आते हैं जहाँ पे इसके ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर इकदाम किए गए। चाइना हमारे सामने मिसाल है, जिसने 10 रोज़ के अंदर एक पूरा हॉस्पिटल बिल्ड कर लिया, और वहाँ पे अब जो अच्छी खबरें वो ये आ रही हैं कि उसमें लोगों लोग सेहत याब होके बिल्कुल घरों की ऐसे ही। तरफ जा रहे हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमें कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानब हमें WHO की तरफ से जो खबरें नज़र आ रही हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें साल के अंदर तमाम जो मालिक हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपने वेंटिलेटर तैयार कर लें। और गुज़िश्ता जो दिनों के दौरान जो अमेरिका के अंदर इसके ऊपर इकदाम किए गए, तमाम मेडिसिन कंपनीज को बुलाया गया और इस हवाले से कहा गया कि वैक्सीनेशन तैयार की जाए, तो उसमें भी हमें एक जो बुरी चीज़ नज़र आई वो ये थी कि एक बुरी खबर ये थी कि 1 साल तक जो है वो अभी कोरोना वायरस की जो मेडिसिन है वो तैयार नहीं हो सकती। आप 1 साल का मेडिसिन की टाइम बात उसका कर रहे हैं लगेगा। इरफान, मैं अभी ये जो चीजें देख रही हूँ ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि अस्पतालों में होनी चाहिए। बिल्कुल आइसोलेशन वार्ड, फिर मास्क, इसके साथ साथ ग्लासेस कहा जा रहा है, सर्जिकल ग्लव्स कहा जा रहा है। मुझे ये बताएं कि जब हम स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहां ये चीजें होना जरूरी नहीं है? ये तो बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल, ये बेसिक चीज़ें हैं और ये तमाम हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, लेकिन अभी जो सूरत हाल है ये एक एमरजेंसी जो है वो नाफिज हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। और उसमें आप देखें कि अब जो वफाक से जो हॉस्पिटल्स ने सामान मंगवाया है उसके अंदर आप 60,000 से ज़ायद जो है वो बॉडी बैग्स मंगवाए गए हैं कि अगर खुदा ना हास्ता ऐसी जो वायरस की वजह से लोगों की अमवात होती हैं तो उन बॉडी बैग्स के अंदर उनकी पैकिंग करके उनकी तदफीन की जा सके। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक एमरजेंसी नाफिज है इस वक्त, जो हंगामी सूरत हाल है तो उससे निमटने के लिए आप देखें हॉस्पिटल के अंदर एमरजेंसी जो वार्ड होते हैं उसके अंदर आपको ICUs नज़र आते हैं, आपको वहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त के जो दीगर जो वार्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं, उनको भी जम्स फ्री किया जाता है और उसके लिए भी ये तमाम जो चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन जब कोई आफत आ जाए, कोई वबाई बीमारी आ जाए, तो उससे निमटने के लिए इस तरह के इकदाम किए जाते हैं, और ये इकदाम जो किए जा रहे हैं इसमें तेजी लाने की जरूरत है और ये क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत क्योंकि ज्यादा शहरियों जरूरी है। में एहसास और तहफ्फुज़ एक जो बिल्कुल खौफ फैला हुआ है ना, और बहुत फिर शहरियों को ये भी पता है कि जो चाइना में इंतजामात हैं उन्होंने रात ही रात में हॉस्पिटल कायम कर लिया। अब अच्छी चीजें भी नजर आ रही है कि अगर वहां पर इनफ इंतजामात थे तो लोग सेहतयाब होकर घरों में भी जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को ये माइंडसेट है लोगों का कि यहाँ पर उस लेवल के इंतजामात बिल्कुल नहीं है, ना बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं। लोगों के हम लोगों से जब मिलते हैं तो उनके अंदर एक खौफ की कैफियत जो है वो तारी है, उनका यही कहना है। चाइना के अंदर जो है इस पे हिफाजती इकदाम कर लिए, दीगर ममालिक में हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड इन हिफाजती इकदाम में अभी स्लो नज़र आ रही बिल्कुल है। ऐसे ही। आप देखें कि जो हमें पेशेंट जो है यहाँ पे अभी तक जो इफेक्टेड नज़र आए, अभी तक 5 जो है इफेक्टिव नज़र आए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर देखी जाए तो वो लोग 15-15, 20-20 या 1-1 माह के दौरान उन्होंने ट्रैवल किया, यानी कि आपको 1 माह के बाद ये चीज़ें बावर हो रही हैं, आपको पता चल रहा है कि उनके अंदर कोरोना वायरस जो है डायग्नोज हो सकता है या हो रहा है। तो उन चीज़ों को आपको फौरी तौर पे, जब ये इस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन आपको पता चली कि आपके बॉर्डर के साथ इस तरह की, चाइना हमारे बॉर्डर के साथ है, तो उसमें अगर ये सूरत हाल पैदा हुई तो फौरी तौर पर इस पर इकदाम करने की ज़रूरत थी, फौरी तौर पर हमें हिफाजती जो तदाबीर थी उसको अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन हम उसमें डिले है और उस डिले की वजह से लोगों के अंदर खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर जो खौफ है वो यही है कि उन मालिक के अंदर तो इकदाम कर लिए गए, हमारे अभी तो हॉस्पिटल का जो अमला है लेकिन अभी आप भी मैं उसको ये स्क्योर कहूंगी कि करने अभी के भी लिए। वक्त था और अगर ये इंतजाम किए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत लेकिन अच्छी चीज इंतजाम है, को जो है लेकिन रेगुलर बेसिस पे पूरा रेगुलर करना बेसिस पे चाहिए। करना चाहिए और इनकी स्पीड जो है वो आपको बढ़ानी चाहिए बिल्कुल। कि आप देखें जिस तरह हम देखते हैं हुकूमती इकदाम के, आपने एक रेगुलेशन भेजी वफाक में, वफाक मंजूर महीनों करेगा, ऐसे रहती वो है पेपर बिल्कुल फाइल होगा, उसके बाद ऐसे ही उसके परचेजिंग होगी, फिर जाके चीजें आएंगी। नहीं नहीं यहाँ पर तो यहाँ आप पे, कॉम्प्रोमाइज नहीं यहाँ कर पे सकते ऐसा हैं। कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है इन चीजों के ऊपर जो है वो फोकस कर रही होगी और बेहतर चीजें जो है इकदाम करेंगे। अब देखें ना कि इसमें आप अभी तक हम हॉस्पिटल आम शहरियों को तो आप वो तो बात की बात है, हॉस्पिटल का अमला है, ये हॉस्पिटल के अमले के लिए तमाम चीजें मंगवाई गई हैं, मास्क मंगवाए गए, ग्लासेस मंगवाए गए, ग्लव्स मंगवाए गए, ये सारी चीजें उन हॉस्पिटल के अमले के लिए जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें पैरामेडिकल बिल्कुल स्टाफ उनका तहफ्फुज़ पहले जरूरी उनका है क्योंकि उन्होंने इलाज मुआवजा करना है। इरफान, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाजिन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर है नामुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंडर में तब्दील, लागत भी बढ़ गई। इरफान, ये एक मंसूबा नहीं है, बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जिनको नामुकम्मल छोड़ दिया गया। हमारे सामने मिसालें हैं, फंड्स का रोना रोया जाता है, ये कहा जाता है कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट का ये मंसूबा था, इस पे तो पैसे सिर्फ लग रहे हैं, इसका आउटकम कुछ नहीं होगा, बहुत सारे बहाने बनाकर अल्टीमेटली होता क्या है कि उसकी लागत दुगनी हो जाती है। वो तो डेफिनेटली होनी होनी, जब आप डिले करेंगे, जब उनकी चीज़ों के ऊपर आप गौर नहीं करेंगे तो वो उनकी लागत तो डेफिनेटली बढ़ेगी। और इसमें भी यही सूरत हाल है कि आप लाहौर के अंदर जितने भी ऐसे तरक्याती काम जो सबका दौरे हुकूमत के अंदर शुरू किए गए, उसमें से आपको कोई भी ऐसा एक प्रोजेक्ट नज़र नहीं आएगा जो मुकम्मल किया गया इस गवर्नमेंट के अंदर। और देखें कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसके पैसे हर माली साल जो होता है उसके अंदर उसका एक बजट जो है वो रखा जाता है हर माली साल के अंदर। अगर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं, ये पिछले 4-5 साल से इसका प्रोजेक्ट चल रहा था, तो 4-5 साल से हर साल इसके लिए कुछ ना कुछ फंड रखा जाता है ताकि इसकी तामीरात जो है वो मुकम्मल हो और ये काम जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती से इस फंड के इन जो माली साल के अंदर जो इस हुकूमत ने बजट दिए उसके अंदर भी इसके लिए फंड रखे गए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, फंड रखे गए वो लगाए नहीं जा रहे, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी कि वजीर आजम साहब खुद क्योंकि स्पोर्ट्समैन हैं तो यहाँ पर खेलों की सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी, बहुत जबरदस्त होने वाला काम, लोगों ने तो ये तवक्कुआत रखी थी कि यहाँ पर खेलों की सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मजीद बनाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो जो एक है वहां पर ही काम नहीं किया जा रहा। कौन सी तवक्कुआत जो है वो पूरी हुई? ये एक तवक्कुआत के अंदर ये चीज़ शामिल थी कि तमाम जो ग्राउंड हमारे सजेंगे, हमें यहाँ पे खेलों के मौके मिलेंगे। और जब ये गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन में थी तो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर यही भी बातें की जाती थी कि जब कोई चीज़ महंगी होगी तो समझ लें कि वज़ीर आज़म चोर है, जब आप सेहतमंद नहीं होंगे तो ये आपका लेवल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह की बहुत सी जो है वो सुहाने ख्वाब जो हैं वो दिखाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन ख्वाबों की ताबीर होती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही। और यही चीज़ें आपको हर जो शख्स है वो रोने रोता हुआ नज़र आएगा कि हमने वोट जो है इसलिए नहीं दिया था कि हमारे साथ ये सलूक किया जाए। और यहाँ पे अगर लाहौर की हम बात कर रहे हैं तो लाहौर के साथ वाकई ही एक जुल्म हो रहा है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा जो साबिक दौरे हुकूमत में अगर उसको शुरू किया गया। ये नहीं समझ आती, ये भी नहीं सोचा जा रहा कि ये आवाम के पैसे हैं, जहाँ पैसे लग चुके हैं, आप मेट्रो ट्रेन की बात कर लें, आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे मंसूबे जिन्हें अधूरा छोड़ा गया है, आवाम के लगे लगाए पैसे जो हैं वो भी आप जाया कर रहे हैं, मजीद आवाम की जेबों से पैसे आप निकाल रहे हैं। यानी ये जो एक गेम चल रही है, ब्लेम गेम, ऑपोजिशन को जो है तमाम तर कसूरवार ठहराया जा रहा है कि महंगाई हो रही है, सब कुछ ऑपोजिशन की वजह से है, हमें हुकूमत माजी की ये देकर गई वो देकर गई, लेकिन अब हालात बेहतर होते कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, सबका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ हम आप भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये हम आगे भी भुगतते रहेंगे। अगर देखें ना कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं तामीर हो रहे हैं, ये अगर 5 साल और नहीं होते इस गवर्नमेंट के, अगर टेनोर के अंदर इसको नहीं मुकम्मल किया जाता तो उसके बाद अगर नई गवर्नमेंट आएगी या यही लोग आएंगे तो उसके बाद भी अगर प्रोजेक्ट ये कंप्लीट नहीं होगा तो वो आपकी बात ठीक है कि एक पैसा जो है वो लग चुका है, अब उसके बाद वो अब उसको आपने तामील के आखिरी जो मराहिल हैं उनको सर करना है। अगर वही नहीं करेंगे तो जो पैसा लगा उसका ज़्याया भी हुआ और उसके साथ साथ अगर आप उसके ऊपर जैसे हम अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ हम ऑरिलैंड ट्रेन की बात करें, यहाँ पर तो मसाइल ही और हैं कि अगर आप 2034 तक इसके बिल जो है वो इसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपके सूद दर सूद जो है वो इसकी कॉस्ट जो है वो डबल के करीब हो जाएगी। जहाँ पे 1 रुपया किसी चीज़ के ऊपर लगना था वो वहाँ पे अब आप 4 रुपये या 5 रुपये लगाने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। और ये देखें ये चीजें और फिर ये तमाम पैसे जो हैं ये भी आवाम की जेबों से डेफिनेटली इसका खमियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, अपने पास से तो लेके नहीं आने, ये सारी चीजें इसी तरह होनी है और हमें ही इसको फेस करना पड़ता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आप वोट डालें तो सोच समझ के डालें, किसी के धोखे में ना आए, किसी की बातों में ना आए, ग्राउंड रियलिटी को भी हमें देखना चाहिए। लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, अब लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं रह गई है। खैर, सरकारी गैर सरकारी 32,000 गाड़ियां, करोड़ों रुपए टोकन टैक्स की नादहिंदा, महकमा एक्साइज के वार्निंग नोटिसेस जारी। ये सूरत हाल बहुत पुरानी चलती आ रही है, 12 वार्निंग नोटिसेस भी दिए जाते हैं, 12 कार्रवाइयां भी की जाती हैं, लेकिन इनका फायदा कुछ नहीं होता। अना, इसमें फायदा इस वजह से नहीं होता कि आप देखें कि जो 32,000 गाड़ियां हैं इसमें से बहुत हजारों की तादाद ऐसी गाड़ियों की है जो सरकारी गाड़ियां हैं। कोई भी जब गाड़ी सरकार खरीदती है तो उसके बाद उसके लिए
उसके टोकन टैक्सेस के लिए, बाकी जो उसकी एसेसरीज के लिए, वो तमाम जो फंड जो हैं वो रखे जाते हैं। अब फंड अगर आप इस्तेमाल ना करें या फंड रोक लिए जाएं उस मद के अंदर, तो ये सूरत हाल पैदा होती है जिसमें जो है वो टोकन टैक्स पे नहीं किए जाते। और अगर हम टोकन टैक्स जो डिपार्टमेंट है जो इसको कलेक्ट करता है इनकम टैक्स, उसकी अगर बात की जाए तो उसकी कारकर्दगी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि इतना बड़ा आपने एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसका काम ही सिर्फ ये है कि ऐसी गाड़ियां जो हैं उनको पकड़ा जाए या ऐसे लोग जो टैक्स नहीं अदा करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उनकी कार्रवाइयां जो है हम सिर्फ अखबारी बयानात या उनके जो उनकी हैंडआउट्स के अंदर ही नजर आती बिल्कुल हैं। यहाँ ऐसी पे है, भी वो ऐसी सूरत तस्वीर और हाल है, कार्रवाइयां बता दी जाती, इतनी इतनी कार्रवाइयां की है, कार्रवाई लेकिन की उनके गई समरात कुछ नहीं रोजाना नजर की आते बुनियाद के हैं। ऊपर हमें नजर आता है कि उनकी तरफ से जो है वो नाके लगाए गए, लेकिन वो नाके कहाँ पे लगाए गए? उन लोगों को फिर अगर पकड़ा जाता है तो छोड़ा क्यों जाता है? बिल्कुल ये ऐसे ही 32,000 गाड़ियां यहीं पे चलती हैं, किसी जगह पे डंप तो नहीं है, ये सही। सड़कों इरफान, के इस पे ऊपर मैं ही। अली साई का मौकफ भी जरूर शामिल करना चाहूंगी, लेकिन नाज़रीन अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो हम बात कर रहे थे सरकारी गैर सरकारी 32,000 गाड़ियां करोड़ों रुपए टोकन टैक्स की नादहिंदा हैं, अब वार्निंग नोटिसेस जारी किए गए हैं। अली साही ने हमें ज्वाइन किया है। अली साही बताइएगा, वार्निंग नोटिसेस अब जारी कर दिए गए हैं, इससे पहले हम देखते हैं जगह जगह नाके लगा के कार्रवाइयां भी की जाती हैं, अब ये नोटिसेस जारी किए गए हैं, फायदा इनका क्या होगा? जी है ना, बिल्कुल, ये महकमा एक्साइज की जानिब से गुज़श्ता रोज एक जारी की गई है जिसमें 32,000 सरकारी नीम सरकारी और प्राइवेट जो बड़ी कंपनियों की गाड़ियां हैं वो पॉइंट आउट की गई हैं, और इन तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको नोटिस भिजवाए गए हैं, सरकारी अदारों को नोटिस भिजवाने का काम शुरू कर दिया गया है, और नीम सरकारी जो अदारे हैं उन तमाम को टोकन टैक्स की अदायगी के लिए वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। और इसके बाद डायरेक्टर एक्साइज रीजन सी राणा कमर हसन का कहना था कि अगर 10 रोज के अंदर ये तमाम कंपनियों ने, सरकारी इदारों ने और नीम सरकारी इदारों ने अगर अपने टोकन टैक्स अदा ना किए तो जिस तरह आम आवाम के साथ सड़कों पे उनके चालान किए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स जब्त किए जाते हैं, बड़ी डिफॉल्टर गाड़ियों को बंद किया जाता है, इसी तरह इन तमाम सरकारी इदारों की गाड़ियाँ, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चूँकि बड़ी तकरीबन 5,000 से ज्यादा ऐसी सरकारी गाड़ियाँ हैं जिनकी जानब से अभी तक टोकन टैक्स अदा नहीं किए गए। अली साई, मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आम शहरियों तक ये कार्रवाइयां महदूद हैं, क्योंकि अगर ये चीजें नजर में हैं तो ये पहले कार्रवाइयां क्यों नहीं की गई? चूंकि ये सरकारी गाड़ियां हैं, बीच में कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व हो जाती है और फिर इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। जी ना, बिल्कुल इसी तरह है कि अभी तक तो ये आम आवाम के खिलाफ ही, आपको हफ्ते में 2 दिन क्रैकडाउन किया जाता है, मंगल के रोज और हफ्ते के रोज शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पे नाकाबंदी की जाती है, शहरियों की गाड़ियां बंद की जाती हैं, चलान किए जाते हैं, लेकिन अब महकमा एक्साइज को ख्याल आया है कि सरकारी गाड़ियां जो कि बड़े पैमाने पे नादहिंदा हैं, पिछले कई कई सालों से टोकन टैक्स अदा नहीं किए गए, उन गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। 3 साल पहले भी इसी तरह एक एक्टिविटी की गई थी जिसमें तमाम जो सरकारी अदारे थे उनको पॉइंट आउट किया गया था कि उनकी हजारों की तादाद में गाड़ियाँ टोकन टैक्स नादहिंदा हैं, लेकिन उसमें चंद एक महकमों की जानब से अदायगियाँ की गई थी, बाकी डिपार्टमेंट्स ने अभी तक वो अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा नहीं किए, लेकिन वो सड़कों पे रोजाना की बुनियाद पर रवा दवा है। महकमा एक्साइज को अब इस पे एक्शन लेना चले होगा। चलिए, ये तो अब वक्त ही बताएगा, महकमा एक्साइज को एक्शन तो लेना होगा, नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं, क्या होगा इस पे, किस हद तक कार्रवाई की जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अली साही, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर की तरफ जाएंगे हम। अगली खबर है जी, चिराग तले अंधेरा, FPR के 360 मुलाजमीन ने ताहाल गोशवारे जमा नहीं कराए। हम देखते हैं कि आम लोगों के लिए कार्रवाइयां बड़ी की जाती हैं, डेट्स भी एक्सटेंड की जाती हैं, ये अपने लोगों की जानिब से जब गोशवारे जमा नहीं कराए जाते तो इस पर क्यों कुछ नहीं किया जाता? बिल्कुल, ये एक वाकई एक अलार्मिंग सी न्यूज है कि एक इदारा जिसने लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना है, उसी इदारे आप के कहते हैं जी टैक्स कल्चर आम करने की जरूरत है, लोगों को बताने और की यही जरूरत लोग है। जो है ये टीवी पे आके ये अवेयरनेस के लिए जो है वो बयानात जारी करते हैं कि लोग टैक्स नेट के अंदर आए, ये एक जो जिम्मेदार शहरी की निशानी है कि वो टैक्स पे करे, और जो टैक्स चोर हैं, जिन लोगों को जो टैक्स पे नहीं करते उनको चोर कहा जाता है, ऐसे हमें ताजरों की तरफ से ऐसे बहुत से उनकी जानिब से ये जो ब्लेम किया जाता था कि उनका का एहतजाज था कि हमें चोर कहा जाता है, हम लोग टैक्स भी पे करते हैं उसके बावजूद हमें चोर कहा जाता है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि FPR के अपने जो मुलाजमीन हैं
अपने अफसरान हैं जो टैक्स नेट के अंदर आते हैं, उन्होंने अपने ना तो गोशवारे जाहिर किए, ना असासे जाहिर किए और ना ही वो टैक्स नेट का हिस्सा बने। तो ये चीज़ें वाकई इन लोगों को भी देखनी चाहिए कि हम अब लोगों से किस मुंह से आकर ये चीज़ें कहते हैं कि वो टैक्स नेट में आए, जब वो खुद लोग जो हैं वो इसको इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर FBR की पूरी पूरी टीम जो है वो वहाँ पर जा रही होती है और लोगों को बता रहे होते हैं कि वो टैक्स नेट का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। उनको ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है, उनको वर्कशॉप्स करवाई जा रही होती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि तमाम लोग जो हैं वो टैक्स नेट में शामिल हो सके। और ये ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाने वाले लोग हैं जो कि खुद समझते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। और फिर इरफान, बड़ी चीज ये है कि इनको कोई पूछने वाला भी नहीं। पूछना किसने है? जिन लोगों ने पूछना है जब वो खुद ही नहीं करेंगे। अब एक चोर को आप साथ लगा देंगे, उसको जज बना देंगे, तो फिर वो इस तरह के काम करेगा? तो ये सूरत हाल यहाँ पे है कि जो जिन लोगों ने कार्रवाइयाँ कर, जिन लोगों ने इसके ऊपर इकदाम करने हैं, वो लोग अगर टैक्स नहीं जमा करवाएंगे तो इसके ऊपर एक्शन किसने लेना है? तो इसीलिए कहते हैं कि पहले खुद ठीक होंगे तो उसके बाद आप माशरे को ठीक कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हालात इंटायरली डिफरेंट हैं। पहले वो कहते हैं लोग ठीक हों तो उसके बाद जो हम ठीक हों। इसमें एक और चीज़ भी है कि टैक्स का जो ये सिस्टम था, इसको भी चेंज करने की ना अफवाहें चल रही थी, इस पर बातें चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, शायद इस वजह से भी वो लोग जो हैं वो टैक्स नेट का हिस्सा नहीं बने। क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, जब उनसे पूछा गया, FBR के ही जो वो अफसरान हैं उनसे जब बात की गई, तो उनका ये कहना था कि हो सकता है इस सिस्टम को चेंज किया जाए। तो इसी सिस्टम की चेंजिंग की वजह से ही शायद वो लोग जो हैं वो इस में अभी तक वो इंटरेस्ट अपना शो नहीं कर रहे, और यही वजूहत हैं कि उन्होंने ये अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए। लेकिन अगर यही सिस्टम चलना है तो इस सिस्टम के अंदर आप भी हिस्सा बने। ये ना हो, ये एक डिपार्टमेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये हमारे मौसरे का अलमिया बन गया। हम दूसरों को बहुत सबक देते हैं, ये कर लें, ये कर लें, और खुद उस पर हम बिल्कुल अमल दरामद नहीं करते। खैर, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। सफाई के नए मॉडल पर ब्रीफिंग दी गई है और वजीर आला कहते हैं कि लाहौर को हर सूरत साफ सुथरा नजर आना चाहिए, ऐसा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अब ये शायद नए मॉडल के बाद ऐसा कुछ नजर आएगा। इरफान, क्या कहेंगे आप? ना, मैं तो यही कहूँगा कि लाहौर को हर सूरत साफ सुथरा नजर आना चाहिए। ये मुतालबा सिर्फ वजीर आला पंजाब का नहीं, ये हम तमाम लाहौर अहलियान लाहौर का भी है। लेकिन इस मुतालबे के अंदर उस वक्त जो है वो जान नज़र नहीं आती, जब हम सड़कों के ऊपर, गली चौराहों के अंदर देखते हैं, वहाँ पे कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। उन अंबार को हटाने के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, और यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जो है मसाइल हल नहीं ना होने पे आ रहे। अब मुझे ये समझ नहीं आती, अब जब आप माजी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये किया गया, वो किया गया, तो फिर माजी की हुकूमत में सफाई के इंतजाम तो बहुत बेहतरीन थे। आप भी ये देखते हैं, मॉडल शाहराएं जो थी वो वाकई मॉडल शाहराएं लगती थी। इसके अलावा गली मोहल्लों में अब जो हमें जगह जगह कूड़े के ढेर लगे नजर आते हैं, ऐसा भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा नहीं था, और हमें वाकई बहुत सफाई सुथराई के इंतजाम बहुत बेहतर नजर आते थे। हमें सड़कों के ऊपर सड़कों की धुलाई होती हुई नजर आती थी, जो बड़े बड़े वाटर बाउजर की और वो जो जीरो वेस्ट का जो हमने दावा देखा था ना साबिक वजीर आला की जानिब से, वो हमने मिसाल भी देखी, मिसाल देखी, और वाकई हमने लाहौर जो है वो कुछ अरसा हमने वाकई उसको बहुत साफ सुथरा देखा। उसमें उसमें वजह ये थी कि उनकी तरफ से जो कंपनीज को हायर किया गया था, जो कंपनीज यहाँ पे इसी पर्पज़ के लिए लाई गई थी, उनको बिल्ड किया गया था, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई थी साथ साथ। उनकी जब कैपेसिटी बिल्डिंग थी तो उसमें वो सफाई भी करते थे। हम जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हम सड़कों को धुलता हुआ भी देखते थे, पानी के साथ, सर्फ के साथ सड़कों को धोया जाता था। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि गली मोहल्लों के अंदर सड़कों के ऊपर जो आपने कूड़ा दान जो रखे हुए हैं वो भरे पड़े हैं, उनके आसपास एक पूरे पूरे पहाड़ नज़र आते हैं कूड़े के। लेकिन हमें बाद में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये बयानात नज़र आते हैं कि लाहौर को हर सूरत जो है वो साफ दिखाई देना चाहिए, तो इस बयानात के ऊपर हमें हंसी आती है। इस पर हमें ये नहीं, हम कहते कि ये इकदाम जो हैं वो किए कहाँ पे जा रहे हैं, कोई इकदाम हमें होते हुए भी नज़र आए। क्योंकि हमें जिस जगह भी हम जिस किसी भी इलाके में आप जाके देख लें, ये सिर्फ कोई एक इलाका नहीं है लाहौर के, आप किसी भी एरिए में जाके देखें, वहाँ पर आपको सफाई सुथराई के हालात जो हैं वो बहुत ही
जो नजर आएंगे, खराब सूरत हाल नजर अच्छा आएगी। इरफान, इसकी एक चीज जो मुझे समझ लगती है वो ये भी है, शहबाज शरीफ साहब खुद बड़े मुतहरिक थे, वो जब पूछते थे लोगों से पता कराते थे और फिर वो दौड़े भी लगवा देते थे कि फौरी तौर पर ये इकदाम होने चाहिए, क्यों सफाई के इंतजाम नहीं है। शहर लाहौर को हमने देखा कि इस तरह से साफ सुथरा रखा गया था कि वाकई लोग मिसाल देते थे शहर लाहौर की, और अब तो कराची वाला मंजर पेश कर रहा है हमारा शहर। अभी अब अगर आप जैसे कि बात करें कि साबिक वजीर आला जो थे वो बाहर काफ़ी हमें मुतहरक नज़र आते थे, तो अब जो हमारे वज़ीर आला हैं ये भी हमें काफ़ी मुतहरक नज़र आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको ऐसे बयान वो नज़र आते हैं, कभी कहा जाता है कि महंगाई कम हो रही है, कभी कहा जाता है कि 1.5 साल के दौरान जितने इकदाम अच्छा, किए गए वो 5 साल तक नहीं हो सके। जाती थी ना, मैं तो कहूंगी फिर इनको भी शोबाजियां, अब इनकी तरफ से शोबाजियां वाकई हैं, लोगों को खुल के नजर आना शुरू हो गई हैं। पहले लोगों को फील होता था कि शायद जो है वो शोबाजियां हो रही हैं, लेकिन अब उनको यकीन होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप देखिए कोई भी ऐसा बयान जो है जिसके ऊपर अमल दरामद किया जाए वो हमें नजर नहीं आता। कहा जाता था महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है, 1.5 साल के दौरान जितना जो कुछ किया गया वो 5 सालों में सबका गवर्नमेंट जो वो नहीं कर सकी, वाकई वो नहीं कर सकी। जो 1.5 साल के अंदर लाहौर का हाल कर दिया गया है, आपके यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर वो काम नहीं किया जा रहा, जितने भी तामीराती काम थे वो अब बीच चौराहे में आपने रोक दिए हैं, सफाई के निजाम जो है वो आप देख लें। चलिए हम ज्यादा बातें नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ सफाई के निजाम का कंपैरिजन करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि माजी में कैसा था अब कैसा था। तो अगर वो शोबाजियां थी, अब ये क्या हो रहा है आवाम के साथ, आप ही बता दें कि ये क्या हो रहा है। खैर, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि नेस्ले की चाय इतनी ज़बरदस्त क्यों है। नेस्ले एवरीडे से सबसे मज़ेदार चाय बनती है, क्योंकि नेस्ले की 150 साल क्वालिटी की ज़मानत सबसे सबके साथ साथ है, और सबसे मज़ेदार चाय नेस्ले की बनाई जाती है, कीमत भी खुले दूध के बराबर है। और सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप 2 साशे खरीद रहे हैं, लाखों रुपये मालियत के इनामात आप जीत सकते हैं। वो कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगी जी। अब नेस्ले एवरीडे के 2 साशे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ पीओ बॉक्स 6288 लाहौर कैंट पर भेजें, और बजरिया कुरानदाजी आप जीत सकते हैं चमचमाती गाड़ियां और लाखों रुपए के इनामात। तो इसके लिए देर मत कीजिए, कुरानदाजी का हिस्सा बन जाइए। सेगमेंट शामिल करते हैं जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी JS Pro, कीमत है इसकी 29,999 रुपए में, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास जी Honor 7X, कीमत है इसकी 24,999 रुपए। इसके बाद Oppo A71, कीमत में इसकी आपको बताऊंगी, और इसकी कीमत है जी 19,899 रुपए। नेक्स्ट मोबाइल है हमारे पास Realme C Pro, और कीमत है इसकी 35,499 रुपए। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिया। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है आज के भाव। मार्केट से हमें ज्वाइन किया हसन अली ने। हसन, बताएगा सब्जियां आज किस कीमत पर बेची जा रही हैं? अच्छा, बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी नज़र नहीं आती, और अगर बात की जाए सरकारी नरखनामे के हवाले से तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की जो फरोख्त है वो एक ख्वाब बन के रह चुकी है। शहर के जिस भी इलाके में चले जाएँ वहाँ पर मनमानी कीमतों पर सब्जियाँ हों या कोई भी शह हो वो फरोख्त होती नज़र आती है, और कीमतों कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो शहर के किसी भी इलाके में नज़र नहीं आते। अगर कीमतों की बात की जाए तो लहसुन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 से लेकर 450 रुपये तक, जबकि अदरक जो है वो 450 से लेकर और 500 रुपये किलो तक फरोख किया जा रहा है। इस तरह से आलू जो है अगर उसकी कीमत की बात की जाए तो आलू कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है, और मंडी में आलू 50 रुपये फी किलो में फरोख किए जा रहे हैं, जबकि अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में आलू जो है वो 60 से 70 रुपये फी किलो तक जा पहुँचे। इसी तरह से प्याज जो है
वो 80 से 100 रुपए में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टींडे, अगर टींडों की बात की जाए तो टींडे 60 से 80 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शलजम जो है 30 से 40 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर जो है वो 60 से 80 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है और कीमतों कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आते। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएँ। जबकि दूसरी तरफ अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो ब्रायलर की कीमत में इजाफे का आज जो है वो 2 रुपए फ़ी किलो का इजाफा देखा गया और मुर्गी का गोश्त 2 रुपए इजाफे के बाद 212 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख किया जा रहा है। जबकि फार्मी अंडे जो है उसकी कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी 2 रुपए फ़ी दर्जन इजाफे के बाद फार्मी अंडे 92 रुपए फ़ी दर्जन तक जा पहुँचे हैं। जबकि गुज़िश्ता 4 रोज़ में फार्मी अंडों की कीमत में 8 रुपए फ़ी दर्जन का इजाफा हो चुका है। ठीक है हसन, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और सब्जियों की कीमतें आप बताए थे। मीट रेट्स क्या है मैं आपको बताऊंगी। अगर आप जा रहे हैं ज़ेनिथ शॉप पर तो यहाँ से आप 20 पर KG खरीद सकते हैं 633 रुपए में। और इसी के साथ बीफ मिंस यहाँ से आपको मिलेगा 899 रुपए में और मटन आपको यहाँ से पर के भी मिलेगा 1266 रुपए में। मटन मिंस आप यहाँ से खरीद सकेंगे 1649 रुपए। और इसके बाद जी आपको चिकन का रेट बताएं, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको 146 रुपए और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 212 रुपए। कुछ बात कर लेते हैं एग रेट्स के हवाले से। एग रेट्स क्या हैं ये मैं आपको बताती चलूं जी। सबसे पहले रिटेल प्राइस 92 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी करेंगे। होलसेल पे जाएंगे तो यहाँ से 90 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप जाएंगे गोरमे पे खरीदारी के लिए तो यहाँ से 91 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो रेट्स आपने जान लिए, अब अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जो कि है बचत बाजार। जी तो नाज़रीन कारफोर पर अगर आप जा रहे हैं प्रमोशन पर यहां पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं मैं आपको बता दूं। नेशनल मैंगो जैम 440 GMS और इसकी रिटेल प्राइस है 155 रुपीज, प्रमोशन पर 129 रुपीज में आपको मिलेगा, यानी इस पर आप पूरे 26 रुपए बचा सकते हैं। और इसके बाद है जी सेंसर इलेक्ट्रिक केटल और रिटेल प्राइस है इसकी 3399 रुपए, प्रमोशन पर ये अवेलेबल है 2899 रुपए में, यानी 61 रुपीज इस पर आप बचत कर सकते हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं सेल्स की, कौन कौन से ब्रांड हैं जहां पर सेल लगी है। सो कमाल पर अगर आप जाएंगे यहां पर अप टू 50% ऑफ है, यहां पर आप जाकर सेल से फायदा उठा सकते हैं। अप टू 40% ऑफ है, यहां पर भी आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जो कि है माल का हाल। एक नजर डालेंगे डिफरेंट करेंसी रेट क्या हैं। जी तो नाज़रीन माल का हाल आपने जान लिया, मुझे अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन आज है 4 मार्च, हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अक्सर मैं ये चीज़ देखती हूँ, बार बार इस चीज़ का जिक्र भी करती हूँ कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। कोई भी ज़िंदगी का ऐसा शोभा नहीं है जहाँ पर हमें ख़वातीन नज़र नहीं आ रही हैं। तो हमने प्लान ये किया कि हमने 8 मार्च तक आपकी मुलाकात करानी है उन ख़वातीन से जिन्होंने फील्ड में निकलकर काम किया, अपना लोहा मनवाया और पूरे मुआशरे को बताया कि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है। तो आज से हमने सिलसिले का आगाज़ किया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो ख़वातीन काम कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और बता रही हैं दुनिया को कि पाकिस्तानी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है। उनकी आज से हम आपसे मुलाकात करवाना शुरू करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से फील्ड में जब वो निकल के काम करती हैं, माशाल्लाह से इतना नाम बनाती हैं तो कितना प्राउड फील होता है। स्टूडियो में अभी हमारे साथ मौजूद हैं आज की हमारी मेहमान उष्णा सोहेल जो कि टेनिस प्लेयर हैं, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उष्णा, क्या हाल चाल है उष्णा, क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल?
आजकल अभी ऑफ सीजन है, ट्रेनिंग हमारी हो रही है मेनली, और मार्च के एंड में वी विल बी हैविंग सम इवेंट्स, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं जी। तो उष्णा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है समाविया यासिन ने, जो कि अंडर 15 फुटबॉल प्लेयर हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम समाविया, कैसी हैं आप? समाविया तक मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है, समाविया से जैसे ही हमारा रापता होगा तो समाविया से भी आपको मिलवाएंगे। अभी फिलहाल उष्णा की तरफ मैं बढ़ती हूं। उष्णा, मैंने जैसे कि कहा कि अभी से हमने डिसाइड ये किया कि हमने उन खातीन से मुलाकात करवानी है अपने नाजरीन की, जो कि वाकई मेहनत कर रही हैं, मेहनत, लगन, और इसके साथ साथ मुआशरे में जब आप निकलती हैं ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। कहा जाता है स्पोर्ट्स सिर्फ लड़के खेल सकते हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने स्पोर्ट्स की तरफ जाना है? आई थिंक सबसे पहले मैं कहूँगी स्पोर्ट्स मेरे फादर की साइड से, इट्स फ्रॉम माई फैमिली साइड, और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर शायद टेनिस मेरे फादर की साइड से ना होती तो मैं मे बी किसी और स्पोर्ट में होती, बट नॉट मे बी इन टेनिस, मे बी सम अदर स्पोर्ट। लेकिन क्योंकि एक फैमिली स्पोर्ट है और एक पैशन मेरा शुरू से था, एंड आई थिंक आई वाज ऑलवेज अ वेरी रेस्टलेस चाइल्ड, मुझे शुरू से स्पोर्ट्स का शौक था, और मुझे आज स्कूल में भी पढ़ाई से ज़्यादा मेरा जो फोकस था वो ग्राउंड और फील्ड की यानी ये बचपन से ही आपके साथ आपका शौक चल रहा था, और दैट्स हाउ आई गॉट इनटू टेनिस। और पेरेंट्स ने भी जब देखा कि एक पैशन है और पोटेंशियल है तो दे आल्सो सपोर्ट। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है जब आपके पेरेंट्स आपका साथ देते हैं ना, तो फिर आपका पैशन होता है ना, वो फिर वाकई आपको हकीकत में नज़र आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि लड़कियाँ जब कुछ करना चाहती हैं सबसे पहले रिजिस्ट कौन करते हैं? आपके पेरेंट्स, के नहीं फील्ड में निकलोगी, बाकी सब लोग क्या कहेंगे, लड़कियाँ नहीं इस तरह से खेल सकती हैं। तो आपको तो माशाल्लाह डे फर्स्ट से ही पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल थी। हाँ जी, आई थिंक इट वॉज समथिंग जो मैंने कभी प्लान नहीं किया था टू बी इन टू टेनिस और स्पोर्ट्स अगेन। आई थिंक समहाउ इट वॉज इन माई डेस्टिनी कि वो एक चीज़ थी, और अल्लाह का शुक्र है जो मेरी जर्नी भी रही है वो इट्स बिन समथिंग टू रिमेंबर। और डेफिनेटली जो मेरे फादर भी थे वो क्लब टेनिस खेलते थे, तो उन्होंने जब मेरी मदर ने नोट किया कि मैं घर पे वॉल के अगेंस्ट खुद खेलती थी, तो उन्होंने उनको इनकरेज किया कि आप इसे क्लब लेके जाएं, एंड आई थिंक दैट्स हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड। और अच्छा, मुझे बताइएगा क्या एज थी जब आपने स्टार्ट किया? जब जैसा कि आपने बताया कि आपकी वालिदा ने घर देखा कि आप खुद से खेल रही हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो किस एज में आपने प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज किया? आई थिंक उस वक्त आई वाज अबाउट 11। अच्छा, 11 या 12, बिटवीन 11 एंड 12 ये एज ग्रुप थी। सो आई रिमेम्बर मैं टेनिस मैचेस टीवी पे काफ़ी देखती थी, बिकॉज मेरे फादर ने अक्सर टेनिस लगाई होती थी, तो जब हमारे पेपर्स भी होते थे तो जब मुझे ब्रेक मिलती थी तो मैं जाके टीवी ऑन करके टेनिस देखना शुरू कर देती थी। तो आई थिंक एक उस तरह से देखकर भी मैंने सीखा थोड़ा बहुत, और वो जो स्टाइल एज अ प्लेयर जूनियर, मतलब एज ए यंग प्लेयर आप कह लो, कॉपी करते हो, तो मैंने कुछ प्लेयर्स का स्टाइल कॉपी करना शुरू किया, एंड मुझे प्लेयर्स में इंस्पिरेशन हमेशा आपकी कौन रहा, किसको देख के आप कहती थी कि मैंने यहाँ तक पहुँचना? उस वक्त आई रिमेम्बर मैंने रॉजर फेडरर और किम क्लाइस्टर्स के मैचेस काफ़ी सिंस आई वाज अ चाइल्ड देखे हैं, मतलब वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, एंड आई बीन लकी कि किम क्लाइस्टर्स से मेरा इंट्रैक्शन भी पर्सनली हुआ, वे आई ट्रेंड इन हर एकेडमी, मेरा 2 मंथ्स का कैंप था उधर बेल्जियम में, तो पर्सनली ऑल्सो शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। और आई थिंक जिसको आप जब आप इनिशियली गेम शुरू करते हो और एक प्लेयर जिसका आपको स्टाइल शुरू से इतना, आप टीवी पे उसके मैचेस देखते हो एंड यू एडमायर देम, एंड इफ यू गेट टू मीट देम इन पर्सन एज वेल, तो आई थिंक वो बहुत एक स्पेशल फीलिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको तो माशाल्लाह पेरेंट्स की सपोर्ट भी थी और फिर एकेडमी भी आपने ज्वाइन की, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको पेरेंट्स की सपोर्ट अगर है भी लेकिन उन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें पता नहीं होता कि अगर उनका ये पैशन है तो कहाँ पर वो जाएंगी, किससे राबता करेंगी। हमारे पास मौके बहुत कम हैं, प्लेटफॉर्म बहुत कम है जहाँ पर हमारी लड़कियाँ जो कि सीखना जा रही हैं, वो जाना चाहती हैं, उनको पता नहीं है कि वो कैसे ज्वाइन करें। आई थिंक इफ़ यू सी इन पाकिस्तान, आई डोंट थिंक इन पाकिस्तान बट जनरली अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी 90-95% एथलीट्स हैं उनका एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड डेफिनेटली होता है। तो इवन इन पाकिस्तान आई थिंक ये चीज़ है कि मोस्टली जितने भी एथलीट्स हैं लाइक गर्ल्स या बॉयज़, आई थिंक उनका कोई ना कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ज़रूर है मदर या फादर की साइड से। But if there's that 5% 10% cream jinka background sports se itna nahi hai, to I would say ke they shouldn't give up, apni mehnat kare aur saath mein jo unhe opportunities milti hai usko zarur prevail kare, aur agar koi unhe competition ka chance milta hai to compete kare, because agar aap competition khelte ho aur aap apni performance dete ho to uski basis pe I think aapki ek like I would say highlight thoda hota hai।
So if they get a chance to compete and to prove themselves, so zarur they should go for it. Aur saath mein स्ट्रगल के बगैर तो आपको कोई चीज मिलती भी नहीं है. अच्छा उष्णा मुझे ये बताएगा कितना जरूरी है हमारे स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर इस तरह की चीजें आप ऐड करें, क्योंकि हम स्कूल्स में देख रहे हैं कि अभी डिफरेंट हमारी गेम्स हैं, वहां पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा. तो कितना जरूरी है कि बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको आप इस तरह की सरगर्मियों में भी आगे लेकर आए. आई थिंक ग्रास रूट लेवल्स पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आई थिंक 6-7 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें सबसे पहले जो उनका पोटेंशियल क्या है, उनका पैशन क्या है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए. क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड, इसमें हर स्पोर्ट का नेचर फ़र्क है एंड हर जो आई थिंक बच्चा है उसकी अपनी अपनी स्पेशलिटी किसी ना किसी चीज़ में होती है. सो ग्रास रूट लेवल पे आई थिंक इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए एंड स्पोर्ट्स को आई थिंक नॉट एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बट एज अ को करिकुलर एक्टिविटी जस्ट लाइक एजुकेशन इट शुड बी टेकन सीरियसली. और स्पोर्ट्स स्कूल्स बनने चाहिए पाकिस्तान में ताकि जो एथलीट्स हैं जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं द नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ इस चीज़ को भी परस्यू करें जैसे बाहर सिस्टम्स हैं. तो आई थिंक स्पोर्ट्स स्कूल्स एंड स्पोर्ट्स कॉलेजेस का पाकिस्तान में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसने हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे समाविया से हमारा रब्ता हो जाए. अस्सलाम वालेकुम समाविया, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए. सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह आप खेल रही हैं, कैसे डिसाइड किया और अभी क्या मसरूफियात चल रही हैं? वेल मेरे डिस्कशन तो मेरी मेरे भाई के साथ हुई थी कि मैंने खेलना, मेरे भाई ने मेरे साथ मतलब सपोर्ट किया मुझे कि आप खेलो आगे और मेरे मामा पापा ने भी कहा कि अच्छी गेम है तो खेलो आगे अगर चांसेस बन रहे हैं. अभी तो स्टडीज़ की वजह से थोड़ा सा ब्रेक हुआ हुआ है बीच में, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर सीआईएस के बाद मैं दूंगी आगे ट्रायल्स. अच्छा मुझे ये बताइएगा लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि एज ए फुटबॉलर मुझे पता है कितना हेक्टिक हो जाता है, आपने दौड़ना है, एक्टिव भी रहना है, फिर एक्टिव रहने के लिए आपको जो है अपने लिए वक्त भी निकालना है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, तो कितना मुश्किल लगता है, कैसे मैनेज करती हैं आप? मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अक्सर, जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने मुझे ब्रेक लेनी पड़ी है फुटबॉल से और ओवरऑल स्पोर्ट्स से बिकॉज आई हैड स्टडीज, लेकिन हो जाता है मैनेज. अगर आपको पैशन हो तो आप किसी भी चीज़ को पॉसिबल बना सकते हो अपने लिए. सही. अच्छा समाविया मुझे ये भी बताएगा आप अपनी टीम में किस पोजीशन पर खेलती हैं, क्या आप स्ट्राइकर हैं या फिर गोलकीपर हैं, किस पोजीशन पर आप खेल कर ज़्यादा जो है वो अच्छा महसूस करती हैं? मेरी बेसिकली पोजीशन सेंटर मिडफील्ड है, आई प्रोवाइड बॉल फॉरवर्ड एंड आई प्रोवाइड बॉल बैकवर्ड्स. सही. अच्छा तो ये प्रैक्टिस का सिलसिला भी साथ साथ आपका जारी रहता है, कितना टाइम निकालती हैं हर रोज? वेल ट्रेनिंग करनी पड़ती है रेगुलर मुझे और ट्रेनिंग की वजह से सुबह सुबह के टाइम उठना पड़ना पड़ता है अक्सर छुट्टियों के दिनों में और अक्सर शाम का टाइम मुझे 2-3 घंटे देने पड़ते हैं, लेकिन होता रहता. सही. अच्छा समावी मुझे ये बताएगा वाई फुटबॉल, बाकी भी बहुत सारे खेल हैं तो कैसे डिसाइड किया कि फुटबॉल खेलना है, क्या कोई इंस्पिरेशन थी आपकी? मेरा भाई खेलता था बड़ा और बेसिकली ही इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन टू मी और उससे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों का इंस्पिरेशन लेती हूँ. वो फुटबॉल खेलता था और मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया और फिर उसी ने आगे मुझे इस चीज़ में प्रमोट किया और मेरा शौक पैदा हो गया फुटबॉल के हिसाब से. सही. ठीक है समाविया, मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाऊंगी. यहाँ पर उष्णा मुझे आपकी बात याद आ गई, आपने जैसे कि कहा बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा होता है और जब बैकग्राउंड आपका ऐसे होता है कि पेरेंट्स में से या फिर भाई बहनों में से कोई आपका ऑलरेडी स्पोर्ट्स में होता है तो फिर ऑब्वियसली आप बेहतर भी खेल सकते हैं और एक आपका पैशन चीज़ें बनती जाती हैं. तो समाविया भी यही कह रही थी कितना आपको सपोर्टिव जब इन्वायरमेंट मिल जाता है तो मेरे ख्याल से आसानियाँ आपके लिए खुद ही बन जाती हैं. हाँ जी, आई थिंक वो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको घर से एक सपोर्ट हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो जज्बा है वो आई थिंक इट इंक्रीजेस लाइक 2 times मोर. तो उस सेंस में लाइक आई सेड कि जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ देम या इवन अराउंड द वर्ल्ड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आई थिंक जो एक पेरेंट्स का सपोर्ट है और एक जो फैमिली सपोर्ट है दैट रियली पुशेस यू टू डू वेल एंड मूव फॉरवर्ड. और जस्ट अच्छा ये जो एज है ना इसमें अपने लिए टाइम निकालना, क्योंकि आपकी स्टडीज़ भी साथ चल रही होती हैं तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि स्टडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, अभी आप कितना टाइम देती हैं और क्या समझती हैं कि अगर आप इतना अर्सा खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आकर आपको प्रैक्टिस कम करने की ज़रूरत पड़ जाती है? जी स्टडीज़ को डेफिनेटली बैलेंस करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपकी जो एक रूटीन ट्रेनिंग की डेली होती है वो इफ़ यू आर नॉट लिविंग अप टू दैट तो आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं आती.
सो आई थिंक ये जो मेरे इंस्टीट्यूट्स हैं शुरू से लाइक लकास या अभी ग्रामा यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया था लास्ट ईयर, आई एम सो सपोर्टिव टू द होल फैकल्टी. उन्होंने शुरू से मुझे कभी अटेंडेंस का इशू नहीं डाला एंड मैंने लिटरली आई थिंक एक महीने पहले पढ़ के मैंने अपने फाइनल ईयर्स दिए हैं लाइक स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक. तो जो फैकल्टी है लाइक रियली हैट्स ऑफ टू देम, मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू देम. मतलब सर राशिद हैं, देन जो मेरे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे एंड इंशाल्लाह बल्कि कॉन्वोकेशन भी इन फ्यू डेज आई हैव माय कॉन्वोकेशन. अच्छा कभी कॉम्प्रोमाइज किया है अपनी पढ़ाई पे कि अच्छा अगर मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम देना है तो ठीक है यहाँ पर काफी दफा होना पड़ा है बिकॉज आई थिंक करना पड़ा है कॉम्प्रोमाइज ना चाहते हुए भी. आई मीन ना चाहते हुए तो नहीं मैं कहूँगी बट करना पड़ा है कॉम्प्रोमाइज. तो वो आई रिमेंबर जब शुरू में आई वॉज लाइक 14 या 15 आई प्लेड माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन पाकिस्तान और मेरे फॉर्मल असेसमेंट से तो मेरी टीचर ने मुझे खुद कहा था कि आप जाके खेलो. माई मॉम वॉज इन फॉर इट, वो थोड़ा सा कही थी कि नहीं तुम मिस मत करो तुम ये पेपर्स दो. बट मेरी प्रिंसिपल ने मुझे सपोर्ट किया बिकॉज उनकी अपनी एक स्टोरी थी. उनका बेटा गोल्फ खेलता था सो ही वॉज वेरी टैलेंटेड. तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बिठा कर एक स्टोरी बताई थी कि ही वॉज वेरी टैलेंटेड. वो USA गया था तो वहाँ पर जितने भी कोचेस थे उन्होंने उसमें टैलेंट देखा था एंड दे एक्चुअली स्पोक टू हर एंड दे सेड कि आपको इसे अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए थी. तो वो मुझे स्टोरी बता के शी यूज टू टेल मी कि मैं अपने बेटे को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकी तो आई डोंट वांट कि अगर कोई और पोटेंशियल मेरे सामने अगर है सो आई थिंक उसको आई शुड सपोर्ट दैट पोटेंशियल और मतलब कि उस चीज़ को फिर आगे लेके वो चली. तो फिर मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा सा हुआ कि अच्छा ओके अगर क्लासेस मिस भी हो जाएँ या वो मिस भी हो तो एट द कॉस्ट ऑफ लाइक समथिंग दैट शी डूइंग फॉर योर कंट्री. अच्छी चीज़ है कि आपके पेरेंट्स एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको मजीद हौसला मिलता है कि आप जो काम करें उसमें आपको ज़्यादा आगे बढ़ना है. समाविया मैं आपकी जानिब रुख करना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम देती हैं, अभी आपने जो एकेडमी भी ज्वाइन की है वहाँ पर आपका ट्रेनिंग सेशन कैसे चलता है, फिर कोचेज आपकी कितनी हेल्प करते हैं? मैंने बहरहाल अभी तो नहीं ज्वाइन की लेकिन मैंने ज्वाइन की थी कि जब मैं 12 साल की थी मैंने ये एकेडमी मॉल्टन फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन की थी जहाँ पर मेरे कोच थे सर नसीम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. उन्होंने मुझे फ़ुटबॉल बेसिकली सिखाई कि कैसे खेलते हैं. आगे मेरे एक सर थे सर शहबाज, उन्होंने मतलब मेरी की कि मतलब ऐसे करो पोजीशंस बनाए मेरी सारी मतलब गेम को उन्होंने ना बनाया आगे. तो इन दोनों का मेरा बहुत बड़ा थैंक यू है. लेकिन अभी तो बहरहाल बताया स्टडीज की वजह से ब्रेक है लेकिन ज़्यादातर मैं 1 आवर तकरीबन देती हूँ रेगुलर फुटबॉल को. सही, तो आपका मुझे ये बताएगा इंस्पिरेशन कौन है, किसको बहुत ज़्यादा देखती हैं और ये सोचती हैं कि मैंने इस लेवल तक पहुँचना है? वेल इंटरनेशनली मेसी और चावी बार्सिलोना का मतलब हमारी तो पूरी फैमिली बार्सिलोना के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी फ़ैन है. लेकिन एज इन हार्ड वर्क के ऊपर मुझे मेरा बड़ा भाई ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है कि उसकी वजह से क्योंकि उसका ड्रीम है कि मैं बनूं फुटबॉलर. तो उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैं ज़्यादातर कहती हूँ कि नहीं मेरे भाई का ड्रीम है बड़े का तो मैंने करना ही करना है उसके. अच्छा समाविया मुझे ये भी लगाएगा जिस तरह से बताइएगा आप बात कर रही हैं आप तो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन लग रही हैं. एक स्पोर्ट्समैन को तो जब हम फील्ड में देखते हैं तो बस उसके ऊपर जो एक हम देखते हैं ना कि पैशन वो नज़र आता है. तो आप जब फील्ड में होती हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल मुख्तलिफ होती होंगी. जी होता है बिल्कुल. सही, तो मुझे बताइएगा कभी किसी ने कहा नहीं कि अभी तो बड़े आराम से बात कर रही हो, जब फील्ड में होती हो तब तो दौड़े लगाते हुए देखते हैं हम तुम्हें. तो किस तरह से लोग आपके इस परसेप्शन को लेते हैं, इतनी सॉफ्ट स्पोकन है आप? नहीं लेकिन मेरा ज़्यादातर जैसा इधर मैं बात कर रही हूँ उसी तरह मैं फील्ड में होती हूँ क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप इज़ द बिगेस्ट थिंग यू कैन लाइक कॉम्प्रीहेंस इन योरसेल्फ. लेकिन यही है कि अगर आप फील्ड में ज़्यादा गुस्से में खेलते हो ये करते हो तो वो मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं हर बंदे के हिसाब से. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं ये बताइएगा आपने इतने सारे मैचेस खेले हैं कोई ऐसा ज़बरदस्त मोमेंट जो आपको अभी तक याद आता है और आप कहती हैं कि जी ये मेरे तमाम तर अभी तक जितने मैंने मैचेस खेले हैं सबका ज़बरदस्त मोमेंट है? वेल ज़्यादातर तो मेरा हमारा ये था कि हम लोगों को इतना चांस नहीं था हमारे पास क्योंकि हम लोग 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को एशियन गेम्स वगैरह खेलने हम लोग चले गए थे. लेकिन बेसिकली जब हम लोग अपना पाकिस्तान का नेशनल एंथम पढ़ते थे हर मैच से पहले दैट वाज द ग्रेटेस्ट फीलिंग एवर यू कुड फील. सही कहा आपने, वाकई उस टाइम जो जोश व जज्बा होता है ना वो वाकई देखने वाला होता है. समाविया मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी, उष्णा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हम मजीद भी बात करेंगे. लेकिन नाज़रीन अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम दोबारा कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिए. The cat sat on the mat.
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। उष्णा और समाविया हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उष्णा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने समाविया से भी पूछा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभी तो वो सीख रही हैं और आगे उनके बहुत सारे प्लान्स हैं, तो जब भी आप किसी फील्ड में जाते हैं आपने अपने कुछ गोल सेट किए होते हैं, फिर आपने उनको अचीव करना होता है, तो बताइएगा क्या क्या गोल सेट किए, फिर अब आपके अचीवमेंट्स क्या हैं? आई थिंक हर टूर्नामेंट की एक फील फ़र्क होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप नेशनल्स में जब आप जाते हो, आई थिंक एवरी थिंग इज़ इन दैट मोमेंट। बिल्कुल, वो एक चीज़ ये नहीं होती, आप बहुत पहले से ऑब्वियसली आपके गोल्स होते हैं कि अच्छा इस टूर्नामेंट मैंने इस साल अच्छा करना है, आपकी एक वो अंदर से ख्वाहिश होती है, बट आई थिंक व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट और आप प्रेजेंट में होते हो तो आपका फोकस इंटायरली इज़ टू परफॉर्म एट दैट मोमेंट, चाहे आप नेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हो, आप अपनी कंट्री के लिए कोई मैच खेल रहे हो। तो इसमें आई वुड से कि जैसे अभी ऑफ सीजन है तो वी आर ट्रेनिंग, तो उसमें जो एंड ऑफ मार्च टूर्नामेंट्स है उन पर थोड़ा फोकस है कि इंशाल्लाह उनमें अच्छा करना है, एंड देन आगे अगर कोई कंट्री रिप्रेजेंटेशन इवेंट्स होए तो उसमें भी इफ़ वी गो तो ऑब्वियसली हमारी लाइक वील ट्राई कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें फॉर पाकिस्तान एंड विन मैक्सिम मैचेस। तो आई थिंक इट्स समथिंग जो प्रेजेंटली होता है, इसीलिए टेनिस में भी हमें कहते हैं इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द मोमेंट, क्योंकि अगर आप पास्ट का बहुत ज़्यादा सोचो, पिछले पॉइंट का जो आप हारे हो तो उससे भी इफेक्ट होता है, और अगर आप आगे का सोचो, लाइक अगर जीत आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली हो तो वो भी आई थिंक एक बहुत ही दैट्स नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि वो आप अपने ऊपर खुद एक प्रेशर लेते हो। सो स्टेइंग इन द मोमेंट आई थिंक और प्रेजेंट में रहना इज इंपॉर्टेंट। सही, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना दूसरे ममालिक में जाके कितना प्राउड फील होता है, फिर आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, फिर आपने फील्ड में जाके अच्छा खेल भी, किस तरह से उस टाइम क्या मेंटल सिचुएशन होती है? आई थिंक जब आप अपने मुल्क के लिए खेल तो आपका पैशन जो है वो काफ़ी 10 गुना बढ़ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम अनाउंस होता है लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स में, तो एक बहुत ऑनर की फीलिंग होती है, और आप यू वांट कि आप अच्छा करो अपने मुल्क के लिए। और अभी रिसेंटली फेड कप में भी जब हम न्यूजीलैंड गए थे तो वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी के सारे लोग आए थे हमें सपोर्ट करने, एंड बहुत अच्छी फीलिंग थी क्योंकि पाकिस्तान के नारे भी उधर लगे थे, और जब हम जीते थे खास तौर पे, लाइक हम जो टॉप सीट्स को स्पेशली जीते थे सिंगापुर को, तो एक बहुत प्राउड फीलिंग थी। और आई थिंक जब आप अपनी कंट्री के लिए जीतते हो तो वो एक बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग होती है, तो बहुत स्पेशल फील होता है। एक जबरदस्त मोमेंट आपने भी हमसे शेयर करना है आपके तमाम तर करियर का, लेकिन अभी मैं जाना चाहूंगी समाविया की तरफ। समाविया, मुझे ये बताइएगा कि गोल सेट किया जाता है, जैसा कि अभी मैंने उष्णा से पूछा, आपने अपने क्या क्या गोल सेट किए हैं और फिर उसको अचीव करने के लिए क्या क्या प्लानिंग आप अभी से कर रही हैं? मेरा गोल तो बेसिकली ये है कि फर्स्ट तो ये कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, प्राउड फील करवाना है अपने पेरेंट्स को, लेकिन आगे इंशाल्लाह फुटबॉल के फील्ड में ही मैंने अपना करियर बनाना है। और अभी प्लानिंग तो ये है कि इस साल स्टडीज़ के ऊपर, नेक्स्ट ईयर से अभी तो मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ साथ साथ, लेकिन इंशाल्लाह इंटरनेशनली मैंने पाकिस्तान को अगेन रिप्रेजेंट करना है, इंशाल्लाह कोई अपना क्लब ज्वाइन करके मैंने आगे जाकर इंटरनेशनली और मैचेस खेलना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे समाविया ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जो कि खेलना चाह रही हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, सिखाया जाता है, अगर वो सीखना चाह रही हैं तो वो आ सकती हैं, बिल्कुल कम्फर्टेबल माहौल होता है लड़कियों के लिए? हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया गया था कंफर्टेबल हमारे लिए, मतलब हमारा फुटबॉल हाउस था एक बकायदा से, जिसके अंदर हमारा एक कैंप लगा था, जिसके अंदर हम लड़कियों को अलहदा रखा गया, हमारा खाना पीना, हमारा मतलब आना जाना उन्होंने सारा प्रोवाइड किया, बाद में दे पेड अस टू। तो अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा आप अगर जाना चाहते हैं आगे तो आप जा सकते हैं, अगर आप एकेडमीज़ भी ज्वाइन करते हैं तो एकेडमीज़ का माहौल अच्छा होता है, लड़कियों को अलहदा खिलाया जाता है, एक एक लड़की को अलहदा एक्स्ट्रा दी जाती है अटेंशन अगर उनको चाहिए होती है एक्स्ट्रा अटेंशन, लेकिन मतलब अच्छा माहौल है अगर आप खेलना चाहते हैं, अगर आपको पैशन है तो श्योर यू शुड गो इन फॉर इट। सही सही, मुझे समाविया ये बताइएगा कि मैसेज जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनको क्या देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी वो लोग जो कि सोचते हैं कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकती हैं, खेल नहीं सकती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? देखें, जो सीधी सी बात है, अगर आप खेलना चाहते हैं आगे तो आप अपने राइट के लिए फ़ाइट करें, कि आप अगर पेरेंट्स मना करते हैं तो उनको बताएं कि मैं खेलना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में वो काम नहीं करना चाहती जो मुझे नहीं पसंद है। आगे आप अपने बताएं अपने पेरेंट्स को, अपने मतलब जो आपको सपोर्ट नहीं करते उनको बताएं कि मैंने खेलना है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो करना चाहती हूँ आगे मुझे करने दें, मेरी मनपसंद चीज़ करने दें। सही, थैंक यू सो मच समाविया एंड विश यू गुड लक, अल्लाह ताला इसी तरह से आपका ये जो जज्बा है बरकरार रहे और कामयाबियां आपका मुकद्दर बने। थैंक यू सो मच। उष्णा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद रहता हो। आई थिंक कलक शुक्र है, मोमेंट्स काफ़ी हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज ऑफ टेनिस, लेकिन
a few moments, मतलब कुछ हैं, like I remember India में जब मैंने पहली दफा world ranking Pakistan के लिए बनाई थी, तो I remember India में I think काफी crowd भी था वहाँ पे, और like I think because I created history for Pakistan, तो वो एक special moment था मेरे लिए. और फिर जब सानिया मिर्जा की अम्मी ने मेरी अम्मी को कॉल करके कंग्रेजुलेट किया था, तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ऑब्वियसली सानिया मिर्जा इज अ बिग नेम इन टेनिस, और मतलब कि एक खुशी का मोमेंट था मेरे लिए. फिर जब साफ गेम्स में, आई रिमेंबर इंडिया में ही जब हम मेडल जीते थे और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजा था, तो वो भी एक बहुत स्पेशल, ऑब्वियसली एक बड़ा और प्राउड मोमेंट होता है. मैसेज क्या देना चाहेंगी उष्णा देखने वालों को? मैसेज आई थिंक मैं यही देना चाहूंगी कि अगर आपका पैशन है किसी चीज में, तो प्लीज परस्यू इट. और आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बार बार जिंदगी में नहीं मिल रही. इफ यू फील कि आपका पैशन परस्यू करने के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डू प्रिवेल इट. एंड ये मत देखें कि बहुत आगे का ना सोचें, जस्ट सी वॉट यू कैन डू इन द प्रेजेंट एंड डू योर बेस्ट विद इट. और यकीनन आई थिंक फिर अल्लाह ताला भी आपको कामयाबी देता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत की जरूरत होती है. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक. ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे. अक्सर नाज़रीन हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से. ख़वातीन को कहा जाता है जी माशरे में उनके हुकूक उस तरह से नहीं दिए जाते जो उनका हक है. ये तमाम चीज़ें एक जगह, एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है खुद एतमादी. ये खातीन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारी वजूहात के बिना पर खातीन में खुद एतमादी की कमी होती है. आपके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें रखी होती हैं, लेकिन आप उनका खुल के इजहार नहीं कर पा रहे होते. आप डर रहे होते हैं कि मुआशरा क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, या फिर आपके गिर्द माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि आप उन चीज़ों से दूर भागना शुरू हो जाते हैं, अपनी ही सलाहियतों को डिनाई करना शुरू हो जाते हैं. तो इसके पसे पर्दा क्या क्या मुहरकात होते हैं, क्या क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, अभी हम बात करेंगे. हमारे साथ हमारी आज की मेहमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रुखसाना महमूद मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच आपके आने के लिए. जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हम मुआशरे में बहुत सारी चीज़ों का जिम्मेदार लोगों को ठहरा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद एतमादी हमें खुद कम होती है और उसका हमें अंदाजा भी नहीं होता. क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, खुद एतमादी और वुमेन एम्पावरमेंट ना, ये बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है. हम एक्चुअली बहुत से टर्मिनोलॉजीज़ को सोशल लेवल पर कंफ्यूज कर देते हैं. पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट को एज एन इकोनॉमिकल फिनोमेना के तौर पर लिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में इसको सोशल फिनोमेना में कन्वर्ट कर दिया गया. ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंट औरत ही एक एम्पावर्ड औरत है. हमारी सोसाइटी में जिस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट की गई है कि एक बच्ची जिसने फ्रेश ग्रेजुएट की है एंड शी इज़ कॉन्फिडेंट टू ग्रो एंड टू वर्क टू अर्न टू सपोर्ट हिज फैमिली, लेकिन जब इस तरह की एक मीडिया या दूसरा सोशल इल्यूजन क्रिएट होती है कि जी वर्क प्लेस पर हरासमेंट है, वर्क प्लेस पर इनइक्वालिटी है, तो वो बच्ची फिर उस एटमोसफेयर पर ग्रो नहीं करेगी, वो स्ट्रेस लेकर ही हमारे पास आएगी. ठीक है, ऊपर से देखें 1908 में जब ये वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब प्रमोशन स्टार्ट हुई थी, तब एजेंडाज डिफरेंट थे. एजेंडाज ये थे कि जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी होनी चाहिए पे स्केल पर, खवातीन को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, लेकिन अब वो एजेंडाज जो हैं वो बैकग्राउंड में चले गए. बिल्कुल ऐसे ही. अब जो एजेंडाज सामने आ रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे रियल सोशल इश्यूज हैं ही नहीं. बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली हमने औरत को विक्टिम बना दी है और जो मर्द है उसको विक्टर बना दिया है. जितनी भी मूवमेंट चल रही है, जितने भी स्लोगन चल रहे हैं, उनको हमने एंटी मैन और मैन हिटिंग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दी है. मैन हमारे इक्वल पार्टनर है हर सोसाइटी में. स्लोगन्स की बात की आपने, मूवमेंट्स की बात की, आजकल हम सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज्यादा चर्चा सुन रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, मजीद आपका जो माइंड है वो उल्टी चीजों की तरफ जा रहा है. आप बजाय इसके कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, मजीद आप उन चीजों में उलझते चले जा रहे हैं. ये तो आवाज बुलंद की जा रही है, ये तो मौसम में नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, तो हम उसकी सेफ साइड को क्यों नहीं देखते? जी देखिए, जिस तरह से ये चीज़ प्रमोट हुई, एक वाइट बियर इफेक्ट की तरह एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उसको एग्जिस्ट करवाया, प्रमोट करें, तो इसके ऑपोजिट हम इसको काउंटर करें और पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट करें. बिल्कुल. वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसका जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी से ताल्लुक नहीं, दैट इज अनदर थिंग. और जेंडर इक्वालिटी में भी मर्द भी आते हैं, उनके भी राइट्स होते हैं, वो अब पार्टनर हैं. हमें जिन मार्च में आप स्लोगन्स लेकर फिर रहे हैं, उस मार्च में आपको जो सिक्योरिटी दे रहे हैं
वो यूनिफॉर्म में खड़े हुए मर्द ही हैं, आपको गाड़ियों में जिन्होंने पहुंचाया है वो गाड़ी चलाने वाले भी मर्द ही हैं। तो इस तरह की एक अनसर्टेन इन इक्वल इनजस्ट एनवायरमेंट मत क्रिएट करें, स्पेसिफिकली उन यंगस्टर के लिए जिन्होंने अभी अपनी वर्क लाइफ स्टार्ट की। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे रुखसाना ये जानना चाहूंगी, 8 मार्च जैसे कि वुमेन डे मनाया जाता है, इस तरह के डेज होना खातीन को, वो खातीन जो कि मुआशरे में जबरदस्त किरदार अदा कर रही हैं और किसी मकाम पर पहुंची हैं, उनके लिए एक मखसूस दिन होना कितना ज्यादा जरूरी है? मखसूस दिन होने के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है कि आप हाईलाइट करते हैं बहुत से इशू के जो बाकी 364 डेज जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन इस दिन को अगर हम बहुत ज़्यादा एजेंडा ओरिएंटेड और मीनिंग ओरिएंटेड करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज सिर्फ आपको स्लोगन से मिलेंगे, मेरा जिसम मेरी मर्जी वाले और मैं ऐसे ही बैठूं वाले स्लोगन से मिलेंगे, कोई सलूशन नहीं मिलेगा। और एक चीज़ को और हमें कंसिडर करना चाहिए, ग्लोबल फिनोमिन है, दुनिया में 20 से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस को एज ए क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता, 130 मिलियन बच्चियाँ हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं ग्लोबली, UN की उसके सर्वे के अकॉर्डिंग 750 मिलियन खवातीन बच्चियाँ हैं जिनकी 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है। पे इक्वालिटी का इशू जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में भी है। तो इन फिनोमिना से रिलेटेड पॉलिसीज को डेवलप करना लोकल लेवल पर भी, और ख्वातीन जो ये स्लोगन्स कर रही हैं, जो मूवमेंट्स कर रही हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम बट मैं प्रो भी नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि आपका एक मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि आप जो जनरल परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं मर्दों के बारे में या वर्किंग वेमेन के बारे में वो बहुत नेगेटिव जा रही है। मुझे काम करते हुए 12 साल हो गए, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, मैं एक वर्किंग वेमेन भी हूँ, लेकिन मेरे जो प्राइमरी रोल्स हैं वो मेरी वर्किंग लाइफ से अफेक्ट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जिस औरत को हम मकाम पर देख रहे हैं, आज़ादी भी मिली है, अगर हम माजी में देखें तो इस तरह से नहीं था, किस तरह से देखती हैं आप, क्या मजीद इसी तरह से आगे ये चीज़ें चलनी चाहिए? बिल्कुल, हम ग्रो कर रहे हैं, क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको हमारे मुआशरे में एक 20 साल की औरत जो है जिस्म फरोशी में नजर आ रही है, तो मुझे 12 साल की बच्ची एंटरप्रेन्योर नजर आ रही है। दिस इज ऑल द सिलेक्टिव परसेप्शन। तो अब बहुत ज्यादा ग्रोथ के फैक्टर्स आ गए, ये एम्पावरमेंट, ये आज़ादी औरत को मर्द से नहीं चाहिए या सोसाइटी से या हुकूमत से नहीं चाहिए, ये एम्पावरमेंट हमारी अपनी पर्सनैलिटी की लिमिटेशंस हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाएं, अपने अंदर जो है फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप करें, हमारे यहाँ लीडरशिप का फिर आप अपना मकाम बना सकती हैं। लीडरशिप का फुकदान है। थैंक यू सो मच रुखसाना आपके कीमती वक्त के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।